हे गाइस, वेलकम बैक टू नोटबुक। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सरस्वती माता ड्राइंग की आउटलाइन ड्रॉ किया था। तो वो वाला वीडियो जो भी अभी तक नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक मैंने के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। और इस ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स की ऑयल पेस्टल को यूज कर रहा हूँ। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस फोटो में देखो सरस्वती माता की फेस, हैंड, इवन जो भी पार्ट्स है वो सब हमें कितना स्मॉल साइज में करना है। तो ऑयल पेस्टल को हमें इस तरीके से सबसे पहले शार्प कर लेना है ताकि छोटा छोटा जो भी एरिया है उसमें हम अच्छी तरीके से शेडिंग कर पाए। तो ऑयल पेस्टल में कोई कंजूसी मत करना। और इस ड्राइंग को मैं टोटल 4 स्टेप में करने वाला हूँ। लाइक सबसे वाला स्टेप में रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर पाएंगे उस कलर से सिंपली हमें शेडिंग कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमें इसको कॉटन बट की मदद से ब्लेंड करना है। और ध्यान रखना जिस भी कलर के ऊपर आप लोग ब्लेंड करोगे उस कलर से पहले आप लोग को इस तरीके से कॉटन बट के ऊपर घिस लेना है, देन ब्लेंड करना है। इससे होता क्या है, एक तो कलर फेड नहीं होता है और दूसरा बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लोग ब्लेंड कर पाओगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके कलर करेक्शन करना है। और पहले वाला लेयर में जो भी आप लोग गलती की हो वो आप लोगों को सब कुछ ठीक करना है। और स्टेप नंबर 4 हमें इसके ऊपर अभी डिटेलिंग ऐड करना है। और डिटेलिंग हमें टोटल 3 वे में करना है। लाइक छोटे छोटे फाइन तरीके से डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं ब्लैक कलर पेंसिल का यूज करने वाला हूँ। हाईलाइट देने के लिए मैं कैचेस से स्क्रैच करने वाला हूँ। और छोटे छोटे जो भी ज्वेलरी पार्ट्स है वो सब देने के लिए मैं एक्रेलिक पेंट नहीं तो पोस्टर कलर को यूज करने वाला हूँ। तो यही 4 स्टेप को फॉलो करके हमें ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फेस के ऊपर और हैंड्स में, इवन लेग्स में भी जो भी डार्क वैल्यूज है उसको ऑब्जर्व करके हमें ब्राउन कलर से शेडिंग करना है। तो रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर ज्यादा डार्क है वहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और कम डार्क है तो वहाँ पर लो प्रेशर अप्लाई करके हमें शेडिंग करना है। तो अभी आप लोग देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से स्किन के ऊपर डार्क वैल्यूज को दे रहा हूँ। नेक्स्ट अभी स्किन के ऊपर एकदम से लाइट वैल्यूज को छोड़कर, यानी हाइलाइटेड पार्ट्स को छोड़कर फ्लैश टिंट कलर से शेडिंग करना है। तो डार्क वैल्यूज के ऊपर भी हमें यही कलर को अप्लाई करना है। तो बेसिकली हाइलाइटेड पार्ट्स को छोड़कर फुल एरिया में शेडिंग कर लेना है। और अभी लास्ट में हाइलाइटेड पार्ट्स में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके और बाकी एरिया में लो प्रेशर अप्लाई करके व्हाइट कलर से शेडिंग कर लेना है। तो बस सरस्वती माता की स्किन के ऊपर कलरिंग कंप्लीट हो गई है। और इसी तरीके से ही हमें अभी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स है उस कलर्स को हमें अप्लाई करते जाना है। तो अभी आप लोग देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं कौन सी कलर्स को यूज कर रहा हूँ वो भी आप लोग ध्यान से नोटिस करो।
और अभी बैकग्राउंड में जो भी डार्क वैल्यू उसमें रिफरेंस फोटो में ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उसको देने के लिए मैं प्रूसियन ब्लू कलर से सेटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी सेम वही रूल को फॉलो करना है, लाइक जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हमें सेटिंग करना है, और कम डार्क है तो वहाँ पर हमें लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं स्क्रेबल टेक्निक से सेटिंग कर रहा हूँ। नॉर्मल जिस तरीके से आप लोग सेटिंग करते हो उस तरीके से मत करना, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें एक स्मोकी इफेक्ट देना है, तो हमें छोटे छोटे राउंड राउंड करके नहीं तो स्क्रेबल टेक्निक से सेटिंग करना है। नेक्स्ट अभी रिफरेंस फोटो में यहाँ पर जो भी येलो सा इफेक्ट है वो देने के लिए मैं यहाँ पर डीप येलो कलर से सेटिंग कर रहा हूँ। और इसको कंप्लीट करने के बाद फुल बैकग्राउंड में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके व्हाइट कलर को यूज करके सेटिंग कर लेना है। और अभी बढ़ी है इसको ब्लेंड करने की, यानी सेकेंड स्टेप। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक कलर के ऊपर आप लोगों को अलग अलग कॉटन बट का यूज़ करना है, एक ही कॉटन बट को हर जगह यूज़ मत करना। और जहाँ पर जिस तरीके से आप लोग पहले सेटिंग किए हो कलर से उसी तरीके से आप लोगों को ब्लेंड भी करना है। नेक्स्ट स्टेप अभी हमें कलर करेक्शन करना है, यानी थर्ड स्टेप। तो सरस्वती माता के ऊपर यानी मेन सब्जेक्ट के ऊपर कलर्स ऑलमोस्ट सही है, तो ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट डार्क वैल्यूज को ऑब्जर्व करके ब्लैक कलर को यूज करके हर जगह सेटिंग करना है। और स्किन की पार्ट में यानी फेस में हैंड्स में वही डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए ब्राउन कलर को यूज करना है। बाकी आप लोग अभी ध्यान से देखो मैं कहां पर किस तरीके से कर रहा हूं। और अभी बैकग्राउंड में थोड़ा कलर करेक्शन करना है, लाइक थोड़ा येलो सा इफेक्ट है तो मैं डीप येलो कलर से फुल बैकग्राउंड में हल्का करके सेटिंग कर लूंगा। और उसके बाद येलो कलर के ऊपर जो भी डार्क वैल्यूज है वो सब देने के लिए मैं वार्मिलन ह्यू कलर को यूज करके हल्का करके सेटिंग कर रहा हूँ। और अभी डार्क वैल्यूज में ब्लैक कलर को यूज करके सेटिंग करना है। और ब्लैक कलर से जब आप लोग सेटिंग करोगे तब ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना, हल्के हाथ से करना है, नहीं तो इसको जब आप लोग ब्लेंड करोगे तो फुल ड्राइंग ही डार्क हो सकता है। और यहाँ पर भी सेटिंग करने के लिए वही स्क्रेबल टेक्निक का यूज करना है।
और अभी इसको भी सेम वही स्क्रेबल टेक्निक से ब्लेंड कर देना है। ध्यान रखना बैकग्राउंड में स्क्रेबल टेक्निक से ब्लेंड करना है और बाकी मेन सब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल तरीके से ब्लेंड करना है, मेन सब्जेक्ट के ऊपर यानी सरस्वती माता ड्रॉइंग के ऊपर। और क्योंकि सेकंड लेयर चल रहा है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हल्के हाथ से हमें ब्लेंड करना है। ओके, कलर करेक्शन और ब्लेंडिंग दोनों कंप्लीट हो गई है और लास्ट में अभी डिटेलिंग ऐड करना है फुल ड्राइंग के ऊपर। तो पहले मैं ब्लैक कलर पेंसिल का यूज कर रहा हूँ छोटे छोटे एरिया में फाइन तरीके से डिटेलिंग ऐड करने के लिए। बाय द वे यहाँ पर ये करने के लिए आप लोग ब्लैक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड में व्हाइट कलर की स्मोक ऐड करने के लिए व्हाइट कलर से उस टाइप के एरियाज में सेडिंग कर रहा हूँ स्क्रेबल टेक्निक से, एंड देन उसको भी फिंगर की मदद से लो प्रेशर में स्क्रेबल टेक्निक से ब्लेंड कर देना है। ये भी कंप्लीट हो गई है और लास्ट में भी छोटे छोटे हाईलाइट देने के लिए मैं कैची से स्क्रैच कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी सेम वही रूल, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप लोग स्क्रैच करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग हाईलाइट कर पाओगे, उतना ही डीपली आप लोग हाईलाइट कर पाओगे, और जितना लो प्रेशर अप्लाई करके आप लोग स्क्रैच करोगे उतना ही लाइटली वो चीज होगा। और अभी छोटा छोटा जो भी ज्वेलरी है वो देने के लिए मैं एट्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी जस्ट ये सब ज्वेलरी नॉर्मली कलरिंग कर रहा हूँ जल्दी करने के लिए। अच्छी तरीके से फिनिशिंग करने के बाद मैं फाइनल ड्राइंग की फोटो इंस्टा पर पोस्ट कर दूंगा आज ही शाम को, और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड कर दूंगा। तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है। और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर से करना, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।